हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी पहुंच गए हैं लाल कुआं स्टेशन में। यहाँ पे हम उतर गए हैं। हमारी ट्रेन लाल कुआं तक ही थी। यहाँ से हल्द्वानी तक हम दूसरे ट्रेन में जाएंगे। उसके बाद फिर पहाड़ों का सफ़र करेंगे। मार्शल या बस से जो भी रहेगा वहाँ से देख लेंगे। और बारिश है ना सुबह से, मतलब 4 बजे से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश ही है। बूंदाबांदी अभी भी पूरा गीला कर छोड़ गया है। मिस्टर जी और अंशु आगे निकल गए हैं, तुषा और मैं चल रहे हैं। ये वाली ट्रेन से आए हैं अभी हम लोग। अभी तो खड़ी है यहाँ पे। कल तो अगर थोड़ी देर हम लेट हो जाते ना, हमारी ट्रेन छूट जाती। घर से टाइम से ही आगे थे, फिर भी मतलब हो ही जाता है टाइम आने आने का। हम आए तब तक स्टेशन में ऐसी खड़ी थी ट्रेन, आपने देखा ही होगा। आगे और जाना ट्रेन भी जाने लग गई है काठगोदाम के लिए। यहाँ से काठगोदाम हो जाती है। अब इसमें गढ़वाल वाले ही बैठे होंगे बस, बाकी कुमाऊं मंडल के यहाँ पे सारे उतर जाते हैं। हरी झंडी दिखा दी ट्रेन को तो ट्रेन चलने लग गई। लाल कुआं स्टेशन, एक ट्रेन यहाँ पे भी खड़ी है। अब हमको जाना है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। बारिश की वजह से देख सकते हो मौसम कैसा हो रखा है सुबह सुबह का। कुछ भी कहो, अपने पहाड़ में आके जो सुगन मिलता है ना, उसको क्या ही बताएं। यहाँ पे स्टेशन में भी इतनी सुख शांति रहती है, बहुत अच्छा रहता है, एकदम शांत माहौल रहता है। और बाकी स्टेशन में ऐसे भीड़ भड़ा के ऐसे गंदा सा लगता है कि कैसे पास हो जाए यहाँ पे। यहाँ पे आके ऐसा मन प्रसन्न हो जाता है अपने। लाल कुआं से लेकर काठगोदाम हल्द्वानी तक का बहुत अच्छा लगता है। स्टेशन भी साफ सुथरे हुए रहते हैं और रहती भी अच्छी शांति है। अब चलते हैं अगले ट्रेन के इंतज़ार करते हैं। ट्रेन आ गई है, जैसे हम उतरे ना वैसे ही आ गई है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हुए हैं और ये ट्रेन आ रही है देहरादून से। ये काठगोदाम के लिए है, तो 1 घंटे का सफ़र और रहता है काठगोदाम से। यहाँ से चलते हैं, जैसे ट्रेन उतरेगी वैसे हम लोग बैठ जाएंगे ट्रेन में। हम उतर गए हैं हल्द्वानी स्टेशन में। अब यहाँ से बाहर जाके गाड़ी देखनी है। अभी तक तो ट्रेन का सफ़र था ऐसा कुछ नहीं। और अंशु बेचारा परेशान हो गया है उसका सुबह से। जैसे लाल कुआं में उतरे ना, तब से उसका मूड ऑफ ही है कि बोले कैसे जाएंगे, कितने देर में जाएंगे, यही पूछता रहता है। ये ट्रेन से हम लोग आए थे, पहले भी दिखाई थी मैंने, पीछे से मोड़ आया था ना जब।
हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा। आज तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, ऐसे उल्टियाँ, पता नहीं मैंने नाश्ता कुछ करा नहीं था तो भी पानी पानी निकल रहा और सिर तो पूरा घूम रहा मेरा। ऐसा हो रहा कब घर पहुँचूँ। हो गई अंशु तो बैठा आराम से, आगे बैठ गया हूँ तो, और मेरी आज हालत ख़राब है, कड़वा हो गया पूरा मुँह गंदा सा। अब हो गई जल्दी घर पहुँच जाऊँ फिर आराम करूँ बस। मौसम तो ठंडा हो रखा है, जैसे बाहर मुँह डाला ये जम के ठंडी लगती। फिर मैं शीशा बंद कर लेती हूँ, बाहर खोलना रहता तो ही जैसे उल्टी आती ना तो बाहर मुँह करती हूँ। पता नहीं आज ऐसे क्यों हुआ, कभी ऐसा नहीं होता था। इस बार तो भयंकर सिर घूमने लग गया मेरा। मैंने तो नाश्ता कर लिया था, मैंने तो नाश्ता भी नहीं करा आज कुछ भी नहीं, क्योंकि पूरा जी ऐसे ख़राब हो रखा है, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही और गला तक पूरा कड़वा कड़वा सा हो गया। पता नहीं ऐसे क्या हो गया, हुआ मुझे आया सही नहीं लग रहा गले में। अब चलते हैं सीधे घर, घर जाके ही करेंगे खाना पीना, मैं तो कुछ भी नहीं खा सकती। गाइस पहुंच गए हैं अपने सपनों के घर में, और दीदी भी आ गए। दीदी मार्केट आए थे, बोले सामान उठाने के लिए, तो मैं आ ही गई हूँ यहाँ पर। किले दो चार दिन उड़ा रहे ना स्कूल ग्राउंड में, जब तेरा वो चमड़े था शुभ दे क्यों खाए जरी ना। सपनों के घर में पहुँचते ही सारे दरवाजे भी बंद हैं, किराएदार भी ताला बंद करके गए हैं गेट पे, सब बाहर खड़े हुए। मिस्टर जी गए हैं चाबी लेने के लिए, वो बैंक में ही जॉब करते हैं ना। सब बजा रहे हैं रिंग। चलो खुशा की भी हालत ख़राब हो गई इस बार तो, मिस्टर जी को भी बीमारी हो गई और तो बस सिर पूरा घूमने लग गए हैं बोल रहे थे। सामान हम लोगों ने बाहर रखा है, अभी खुशा तो लेट गई। अंशु थोड़ा बोलने लग गया, भैया अभी चाबी लेके आए नहीं है घर से। भैया और मोना आ रहे हैं घर से, खाना भी आ गया शायद, पर अभी तक नहीं आए। बताओ थोड़ा जल्दी आ गए। खाना खाने लगे हैं, मस्त सब्जी मंगाई थी मैंने घर से आज, कद्दू की, और कद्दू के बेल वगैरह रहती है ना उसकी बनाई थी। ये सब्जी बहुत अच्छी लगती मुझे। मोना बांट रही है सबको खाना, दाल भी आई है और सब्जी भी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर हम सो गए थे, और सिर है ना अभी भी बहुत भारी हो रखा, पता नहीं इस बार ऐसे क्यों घूमा, और अच्छा ही नहीं लग रहा था सिर भारी भारी। तो थोड़ी देर सोए थे, आँखों में भी जलन हो रही, कल नाइट में भी नींद नहीं आई मुझे अच्छे से। और अब दिखाती हूँ आपके छत से अपने व्यू यहाँ का कैसा हो रखा करके। जब हम गए थे खेत खाली खाली थे, आपने अगर ब्लॉग देखा होगा जिसने भी, तो पूरे खाली खाली थे। और दो महीने में कितने अच्छे हरे भरे हुए धान की फसल हो गई है पूरे खेतों में, आप देख सकते हो। ये भिसड़गा वाली रोड है मेरे मायके वाली, बैगनिया वाली, पहले बैगनिया ही जाती है। अभी शाम का मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है। सुबह से है ना बारिश बारिश, पूरे रास्ते में भी बारिश हो रही थी, और अभी यहाँ पे आगे धूप आ गई है तो अच्छा लग रहा है। और मैंने मम्मी को भी कॉल कर दिया, मैंने कहा अभी आ जाओ, कल मुझे ससुराल जाना है फिर, क्योंकि पूजा पाठ है मैं हमारे ससुराल में, इसीलिए हम अचानक से घर पर आए। अभी घर की पूजा करनी थी, वो पूजा के लिए आए थे, तो कल सुबह सुबह हमको निकलना पड़ेगा। मम्मी को मैंने कहा आ जाओ, फिर दो तीन दिन वहाँ मुझे लग जाएंगे, फिर हमारा आने का ही टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए मम्मी भी आ रहे हैं। मोना भी अपने कंप्यूटर क्लास से यहीं पे है, वो भी मार्केट में उसने कंप्यूटर क्लास थी ना, वो मैंने तो है ना कंगी भी नहीं करा, ऐसे हाथ मुँह धो के खाना खा लिया था, क्योंकि इतनी थकान हो गई थी ना बहुत ज़्यादा। तो अब मम्मी आ रहे हैं मोना और खुश गई है लेने के लिए। आगे भी है ना ये जो हमारे यहाँ भट की खेती होती है ना, वो वाली हो रखी है, भट गहत वगैरह ये सारे खेत में वही हैं। और यहाँ पे धान हो गए हैं, इस तरफ अरबी भी हुई है। खुशा बोली घर आते ही यहाँ पे कितने झाड़ हुई है, ये
हटाते क्यों नहीं है। मोना बोली है कि ये तो बो रखे लोग वाजन में बीज, इसमें तो भट की दाल निकलती है। तो हम खुशा को पता ही नहीं, बोले जब हम गए तब तो खाली था, अभी कितने झाड़ ही झाड़ हो गए हैं।